हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी चैनल ट्रैवलिंग पैशन पर। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आज मैं आप सबको मेरे साथ लेकर जा रही हूँ लालबाग। तो ये हम आ पहुँचे लालबाग बॉटनिकल गार्डन बेंगलुरु, जहाँ पे फ्लावर शो हो रहा है। आज 29 जनवरी है और कल ही इस फ्लावर शो का आखिरी दिन है, तो हमने सोचा कि आज हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो, हमें टिकट लेकर अंदर जाना पड़ा। अंदर आते ही जो है मन बहुत खुश हो गया, चारों तरफ बगीचा और पेड़ों को देखकर, बहुत सारा ट्रीज है यहाँ पे। फ्रेंड्स, आज बहुत सालों बाद मुझे लालबाग में जो स्टॉल लगे हुए थे उनमें एक शॉप में ये कोकोनट का फ्लावर देखने को मिला। देखते ही मेरा खाने का बहुत मन हुआ, तो मैं पहले ही इस वीडियो को यहाँ पे डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, आज संडे है और संडे होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, और पता नहीं आगे जाके हम अंदर जाकर देख भी पाएंगे या नहीं फ्लावर शो। ये तो अभी तक हम गार्डन में ही वॉक कर रहे हैं, तो यहाँ से जहाँ पे शो हो रहा है वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। यहाँ पे आने के बाद अगर आप चाहो तो बग्गी में भी आप सवार होके ये जगह का सैर कर सकते हो। बग्गी आपको मिल जाएगा, बग्गी के लिए शायद एक्स्ट्रा टिकट आपको लेना पड़ेगा। तो कोई बुज़ुर्ग आपके साथ है, बच्चे हैं जिनको वॉक करने में काफ़ी दिक्कतें होंगी, तो उनके लिए आप टिकट भी परचेज़ कर सकते हो। मैंने और मेरी फ्रेंड ने सोचा कि हम वॉक करके ही घूमते हैं यहाँ पे, तो वॉकिंग के साथ साथ हमें चारों तरफ देखने को भी मिल रहा था और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। ये जो लालबाग है ये एक छोटा मोटा बगीचा नहीं है, ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे आप चाहे कितना भी वक्त लेकर आओ, आपको फ्लावर वगैरह देखकर और ट्रीज जो यहाँ पे है देखते देखते समय कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये इतना बड़ा जगह को एक बार में देखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत सारा टाइम चाहिए, और यहाँ पर आने से यहाँ से वापस जाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि यहाँ का नज़ारा जो है बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके टाइम स्पेंड करना। स्पेशली विंटर में अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे माहौल भी आपको बहुत ठंड, एक कूल सा एटमॉस्फियर मिलता है। अभी जबकि समर की शुरुआत है तो काफ़ी गर्मी है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को भी लाया जाता है स्कूल से फील्ड ट्रिप के लिए। शो के दौरान अगर आप यहाँ पे आते हो तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हमेशा होता रहता है, जैसे कि यहाँ पे एक सिंगिंग प्रोग्राम चल रहा था, तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम खड़े होते हैं गाना सुनने के लिए तो काफ़ी देर हो जाएगा, तो हम आगे बढ़ गए जहाँ पे फ्लावर शो हो रहा था। और हमें पहले से ही पता था कि वहाँ पर बहुत लंबा सा एक क्यू होने वाला है, तो हमें नहीं पता था कि एग्जैक्टली हमें अंदर जाने को मिलेगा या नहीं। तो इस फाउंटेन के सामने हम खड़े हो गए और ये फाउंटेन को एंजॉय किया हमने। आई थिंक नाउ वी हैव टू गो इनसाइड द लाइन, बट दिस वन फ्रेंड्स, अगर आप लालबाग में आए हो, कल ही लास्ट डे है, और अगर आप अंदर का फ्लावर शो देखना चाहते हो तो आपको इतने लंबे क्यू में खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ से शुरू होता है क्यू और ये आगे तक आप देख सकते हो।
इतना लंबा क्यू देखकर मैं खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं, तो मैंने सोचा कि ये बाहर का जो है ट्रीज वगैरह या गार्डन वही मैं देख लेती हूँ। लेकिन पता नहीं अपने मन को समझा भी नहीं पा रही थी, मुझे लग भी रहा था कि इतने दूर से मैं सफ़र करके आई हूँ तो कुछ तो मुझे देखना ही चाहिए। तो ये सोचकर फिर हमने वापस यहाँ पे आने का सोचा और हमें क्यू में खड़ा होना पड़ा। क्यू में खड़ा होने के बाद जब अंदर आई तो मुझे लगा कि अगर मैं अंदर नहीं आती तो शायद कुछ मिस कर जाती, जैसे कि यहाँ पे फ्लावर्स ब्यूटीफुली अरेंज करके रखा गया था और देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। लालबाग इसके वजह से जाना जाता है क्योंकि ये जनवरी से ये फेस्टिवल शुरू होता है यहाँ पे, और आपको इतना डिफरेंट टाइप का फ्लावर यहाँ पे देखने को मिलता है। रेयर काइंड ऑफ फ्लावर्स जो है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर आप फ्लावर शो के दौरान लालबाग आते हो तो प्लीज़ यहाँ पे अंदर आकर टिकट लेके ये ज़रूर आप देखें, वरना आपको लगेगा कि आपने देखा नहीं कि लालबाग का फ्लावर शो कैसे होता है। फ्रेंड्स, ये फ्लावर शो ने एक बहुत ही पॉपुलर जो हमारे बचपन में एक गाना हुआ करता था वो इसकी याद दिला दी। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आई 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 आई। अच्छा, कुछ ज़्यादा ही फिल्मी हो गया ना, लेकिन क्या करें कभी कभी बात करना ही पड़ता है। बात के साथ गाना गाना बुरा तो नहीं है, तो सुन लो थोड़ी बहुत मेरी गाने। फ्रेंड्स, ये मेरे पीछे नर्सरी है। आप अगर यहाँ लालबाग आते हो तो यहाँ से आपको जो भी प्लांट्स सीड्स वगैरह चाहिए आप बहुत कुछ खरीद सकते हो। और आज ही लास्ट डे या कल लास्ट डे है, आज 29 जनवरी है, कल 30 जनवरी है और कल ही लास्ट डे है। आप अगर यहाँ पे आए तो आप बहुत कुछ परचेज कर सकते हो। स्पेशली यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, और जैसे कि मैंने आगे दिखाया था कोकोनट फ्लावर भी यहाँ पे काफ़ी अवेलेबल है, जो मैंने अपने साथ बहुत सारा सामान खरीद लिया है। इट्स अ बिग सरप्राइज, इनसाइड लालबाग देयर इज अ पॉन्ड एंड आई एम राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग नियर द पॉन्ड। इट्स लाइक अ शैलो पॉन्ड विच बेसिकली वी कैन सी इन द विलेजेस, सो ब्यूटिफुल इट इज। आई गॉट अट्रैक्टेड सीइंग दिस पॉन्ड इनसाइड लालबाग, सो ब्यूटिफुल इट इज नो, I just loved it. Guys, if you are coming to Lalbag, please do visit this. You'll feel, you'll get a village vibe. Oh, there is a waterfall inside Lalbag. Wow, this I have not seen before. I think from today to many years back, I had come to Lalbag. See how beautiful it is. Oh, 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 oh
ये भी बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो जितने सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, उन स्टॉल्स में ये जो मिट्टी के बने हुए मूर्तियाँ कारीगरी हमें देखने को मिला, वो देखने लायक था। लोग यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से आ रहे थे ये सामान खरीदने के लिए। लालबाग की खासियत है इसकी पेड़, यहाँ पे बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं और इनमें से ये एक हमारे आगे है जो बहुत ही खूबसूरत है।